अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक्सप्लोर विद सुहेल राजपूत के साथ फिर से सुहेल राजपूत हाजिर है। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, हम अपने मंजिल पे पहुंच चुके थे, यानी हम आ चुके हैं एक लाइट हाउस पे केप पॉन्स में। और यहाँ पे आज हम आपको सैर करवाते हैं बीच की। क्या ज़बरदस्त इधर का बीच है, बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पर। तो चलें, आपको लेके चलते हैं अभी बीच पर और वहाँ पर कुछ मस्ती मजाक करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, नहाने चलते हैं। तो चलें, ये देखें जी, हम आ गए हैं अब बिल्कुल समंदर के सामने और अभी उतरते हैं बीच पर, साहिल पर, और नहाते हैं आज। तो आप भी हमारे साथ रहिएगा, ये देखें बस अभी थोड़ी देर में बिल्कुल हम पहुंच जाएंगे अपने दोस्तों के पास। दोस्तों, इस बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है ये देखें। साथ ही लाइट हाउस है एक, आज आपको लाइट हाउस की भी सैर करवाएंगे। इसके साथ ही पुराने बने हुए खंडर नुमा कोई घर हैं या इस लाइट हाउस के ही कोई ऑफिसेज वगैरह थे जो अब ख़त्म हो चुके हैं, ये बिल्कुल अबैंडेंड हैं ये वाले हाउसेस। तो अभी हम आपको लेके चल रहे हैं समंदर में। तो चलें देखते हैं समंदर का पानी कैसा है। देखने में तो बिल्कुल साफ़ और शफाफ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन अभी तक इतनी नहीं है जितनी के कराची सिटी के बाकी साहिलों पर हो चुकी है। ये देखें जी, हमारे दोस्त पहले से इधर मौजूद हैं, नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन इतना भी लेट नहीं हुए, अभी भी बहुत टाइम है। तो चलें, हम भी चलते हैं, अपना कैमरा इधर किसी को देते हैं और हम चलते हैं अब नहाने। जी हाँ, तो अपना कैमरा देते हैं सर को। तो अब हम चल रहे हैं, ये चीज़ें भी रखते हैं और चलें जी, अब उतरते हैं समंदर में और देखते हैं कितना गहरा पानी है, कैसा पानी है, ठंडा पानी है, गर्म पानी है, या वैसे तो कड़वा पानी होगा। दोस्तों, समंदर में नहा रहे थे और ये देखें ऊपर हमारे बिल्कुल हेलीकॉप्टर मंडला रहा है, जो शायद किसी ट्रेनिंग मिशन पे है। नज़दीक ही यहाँ पे कोई बेस होगी, तो वहीं से अप्लाई किया होगा। ये देखें जी, ये सर्कल कर रहा है यहीं पे हमारे सामने, ये सामने लाइट हाउस जिसकी आज हम आपको सैर भी करवाएंगे। हाँ तो दोस्तों, नहा के हम हो चुके हैं फ्रेश, उसके बाद हमें नहाना पड़ा है इस फ्रेश वाटर से, यानी मीठे पानी से, क्योंकि ये तो नमकीन पानी है। और इसके बाद हमने अब तो अभी बस नहा धो के निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं आपको सैर करवाते हैं इस लाइट हाउस की। देखते हैं कि जी लाइट हाउस में क्या कुछ है और ये कैसे चलता है। और इससे पहले ये देखें वही पंजर वैरान घर, जिसकी पहले भी हम एक दफ़ा व्लॉगिंग कर चुके हैं। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं लाइट हाउस की तरफ और देखते हैं लाइट हाउस में ऊपर पहुंच पाते हैं या नहीं। काफ़ी ऊंचाई पर है और ये अबैंडन्ड है, यहाँ पे कोई अब काम वाम नहीं होता है। तो ये सारे इलाका जो है बिल्कुल ये अबैंडन्ड सिटी के तौर पे जाना जाता है। ये देखें, एक मस्जिद है और ये सामने समंदर। हाँ तो दोस्तों, पहुँच चुके हैं हम अंदर और बहुत ही डरावना सा और बहुत ही पुराने ज़माने का वेज दौर का बना हुआ है और काफ़ी वहशत सी आ रही है, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत तंग हैं और बहुत ही खस्ता हाल भी लग रहा है। तो इस वजह से बस एहतियात से ही हम अंदर चलते हैं, सिर्फ आपको दिखाते हैं और फिर उसके फौरी बाद हम वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये जगह काफ़ी ऊंचाई पर भी है और सेफ भी नहीं लग रही है। फिर वो घूमता है, लेकिन यहाँ पे पुराने वक्तों में शायद इधर चाबी भरी जाती होगी और फिर ये चाबी से चलता होगा। और ये टोटली मैकेनिकल है, इसमें कुछ ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल ऑपरेटेड है। और ये अंग्रेज दौर का, आज से तकरीबन 100 साल से ज़्यादा अर्सा हो चुका है इसको बने हुए, और देखें अभी भी इसकी चीज़ें बड़ी मजबूत और वैसी की वैसी ही हैं। और उस दौर में भी इन्होंने अच्छी टेक्निक्स अपनाई थी रोशनी को फैलाने के लिए। ऊपर आपको दिखाते हैं कि मंशूर लगे हुए हैं,
और ये देखें रोटेट करता है, और ये मंशूर इतने ज़्यादा लगाए हुए हैं ताकि एक छोटा सा बल्ब भी अंदर अगर रोशन हो तो जहाज को, बैरी जहाज को दूर से रोशनी नज़र आती है। पहले शायद ये गैस ऑपरेटेड था, ये इसके गैस वगैरह, तो अभी तो ये सब ख़त्म हो चुका है। तो ये देखें ऊपर से क्या मंजर नज़र आ रहा है, ये देखें ये वही मंशूर हैं जिसका हमने आपको बताया था कि बहुत सारे उसमें प्रिज्म लगा रहे हैं। दोस्तों अंदर बहुत ही ज़्यादा घुटन हो गई थी क्योंकि ऊंचाई भी थी और दूसरा हवा भी कम थी, तो हम अब नीचे आ चुके हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो चलें आगे चलते हैं। अब वापस हम अपने खाना वाना खाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर वापसी का सफ़र भी करना है। और जगह इंतहाई पुरसकून है, खूबसूरत है, समंदर बहुत साफ़ सुथरा है, शफाफ शोर मचाता, हवा ठंडी और बहुत ही प्यारी जगह है। दुनिया से दूर क्योंकि यहाँ पे ना मोबाइल के सिग्नल आते हैं ना कोई और सिग्नल आते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप कह लें नेचर के नज़दीक होते हैं। ये देखें सूरज और ये मस्जिद। ये हमारे दोस्त जाकिर भाई आ रहे हैं और हम वापस जा रहे हैं। हाँ ये था वो लाइट हाउस जिसकी आपको सैर भाई हमने। दोस्तों थक चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं, खाना खा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है और अब हमारा टाइम है वापस जाने का। अरे वापस जाते जाते ये देखें हमें क्या नज़र आया है, गिरगिट। जी हाँ, आप तो मुझे सुनते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है, वो यही गिरगिट है जी। तो चलें जी हम अपने सफ़र स्टार्ट कर लिया अपना वापसी का। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखें जी ये वही 9 बजे खबर है जिसमें पहले आपको एक दफ़ा जिसके पास लेकर आए थे इस कबर में, कबर के पास। तो लास्ट जो काफ़ी अर्से पहले एक व्लॉग बनाया था जिसमें इसकी डिटेल भी मैंने आपको बताई थी। अभी तो बस हम थक चुके हैं और अभी घर की तरफ वापस जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए एक्सप्लोर विस्से लाजपूत, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।